हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कर ली है एक बहुत ही प्यारी वाली लैंडिंग। लेकिन उस लैंडिंग के पश्चात कुछ ऐसा हुआ जिसको जानने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। काफी ज्यादा भयानक चीजें हुई है चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद। चंद्रयान 3 ने जो है लैंडिंग के बाद भारत में मौजूद एलियनों का पर्दाफाश किया। जी हाँ, हम एलियंस को स्पेस में ढूंढते हैं लेकिन वो और कहीं नहीं, हमारे भारत में ही मौजूद है। चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग के बाद नेताओं के मीडिया के सामने प्रवचन प्रस्तुत किए गए हैं, उसको सुन के आपके कान, मस्तिष्क, आंखें, दिल सब धरे के धरे रह जाएंगे। एक नेताजी बोलते हैं हमारे कि कल जब चंद्रयान 3 वापस पृथ्वी पे आएगा तो हमें उसका भव्य स्वागत करना चाहिए, पूरे भारत को उसका भव्य स्वागत करना चाहिए। और वहीं एक हमारे नेताजी बोलते हैं कि चंद्रयान 3 के लिए नासा और नासा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। और एक नेताजी तो हमारे चंद्रयान 3 के लिए बोलते हैं कि चंद्रयान 3 को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही जो भी हमारे यात्री चंद्रयान 3 के साथ गए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और हम देश में बात करते हैं कि शिक्षित लोगों को वोट दें और उनको राजनीति में लाएं, पॉलिटिक्स में लाएं। ऐसे ऐसे एलियंस हमारे बीच में छुपे हैं, ये बात चंद्रयान 3 के सेफ लैंडिंग के बाद पता चली है। और अभी आप देखो, चंद्रयान को लैंड हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसने इतना अच्छे से काम करना चालू कर दिया है। तो अब चंद्रमा पर जब उसका रोवर घूमेगा और क्या क्या वो चीज़ें करता है वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इन नेताओं के बारे में आप लोग आपके दिल से क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन फ्री है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कमेंट जरूर बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।